हमारे पास एक एरोप्लेन है देखो, और ये एरोप्लेन जा रहा है इधर को, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, एरोप्लेन इज मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट एंड बैक अगेन, मतलब ए से बी जाता है और फिर अगेन बी टू ए आता है। द रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द विंड इज वी, द विंड ब्लोस परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। अब विंड ऐसे ब्लो कर रही है, विंड इज ब्लोइंग परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी, विंड की वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक है, और विंड की आपको स्पीड दी हुई है म्यू, विंड की स्पीड आपको म्यू दी है, और एरोप्लेन की जो स्पीड है वो वी दी हुई। द रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू विंड इज, अच्छा मतलब आपको रिलेटिव स्पीड दिया हुआ है एरोप्लेन का, है ना, एरोप्लेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो आपको एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड दिया हुआ है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, दिस इज योर एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो एरोप्लेन हवा के रिस्पेक्ट में इधर मूव कर रहा है और विंड जो है आपकी इधर मूव कर रही है, ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। क्वेश्चन सबको पता चला? सबको क्वेश्चन देखो समझ आ रहा है? बेटा क्वेश्चन का स्टेटमेंट एक बार खुद से पढ़ के देखो, जिसने ट्राई किया उसको समझ आ रहा होगा, जिसने ट्राई नहीं किया उसको दिक्कत होगी। भव सर विश्वास आल्सो ज्वाइन। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, सब लोग ध्यान से देखोगे, एक एरोप्लेन है आपका, एरोप्लेन जा रहा है ए से बी, एरोप्लेन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड इट इज गिवन दैट द रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द विंड इज वी, रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द विंड इज वी, तो ये आपकी वैल्यू दी हुई है वी के बराबर, एरोप्लेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू विंड वी दी है और विंड की जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दी है विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ विंड। तो चलो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमें दिया हुआ है एल, तो हमें निकालना क्या टाइम, सो टाइम क्या होगा देखो, टोटल टाइम विल बी एल अपॉन जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, है ना, एल अपॉन वी डैश प्लस एल अपॉन वी डैश, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने का टाइम सपोज करो ए से बी आपका एल अपॉन वी डैश और बी से ए कितना हो जाएगा एल अपॉन वी डैश, है ना, तो अब इसको कैसे शो करेंगे, देखो रिलेटिव का क्वेश्चन है ये, तो ये आपको वी वेक्टर दिया है इस डायरेक्शन में और म्यू वाला वेक्टर दिया है इस डायरेक्शन में, तो आप दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हो by parallelogram law of vector addition, you can find the resultant of both the vectors. So ये आपका resultant कितना आएगा देखो, under root of v square plus mu square. This will be your V dash, है ना, तो यहां से आपको पता चल जाएगा टाइम कितना लगेगा, 2L अपॉन अंडर रूट ऑफ
वी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया सबको ये वाला क्वेश्चन? सबको समझ आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो फिर से बताता हूं, एक एरोप्लेन है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, और हमें पता है कि एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, एरोप्लेन विंड के रिस्पेक्ट में कहाँ मूव कर रहा है? राइट साइड मूव कर रहा है, और जो विंड है वो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आ रही। तो हमें एक चीज तो पता है ना, क्या हमें एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड दिया है, और उसमें जब हम विंड की वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो हमें एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा। कल मैंने आपको यही बताया था ना, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो हमने क्या किया, विंड की वेलोसिटी को उस तरफ ले गए और इसमें ऐड कर दिया, तो देखो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विच इज योर एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन हमने निकाल दी, तो एरोप्लेन की वेलोसिटी क्या होगी, दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करोगे। सो हमें वेक्टर्स को ऐड करने के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या लॉ ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे, तो ये वाला वैल्यू हमें पता है, एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड दिस इज इन दिस डायरेक्शन विच इज वी, एंड वेलोसिटी ऑफ विंड विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स विच इज म्यू। तो दोनों वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, तो आपको वी ए मिल जाएगा, नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विच इज अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे देखो, जाने का टाइम सपोज करो एल अपॉन वी डैश है, तो आने का टाइम भी एल अपॉन वी डैश होगा ना। अब ये वी डैश क्या है, वी डैश ये आपका वी ए है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। वी डैश की जगह आप यहां लिखो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन का वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया उसका वैल्यू, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? मैत्री शाह इज ऑल्सो प्रेजेंट, ओके। ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो बताओ। समझ आया ना सबको, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने लगाया, कल हमने इसको एक घंटा पूरा डिस्कस किया था, कल हमने पूरा रिलेटिव मोशन बहुत अच्छे से पढ़ा, 2D मोशन में रिलेटिव मोशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अब इसके क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, ठीक है। चलो और कोई डाउट है, और कोई डाउट है तो बताओ। फिफ्थ वाला भी डाउट है, देखो फिफ्थ वाला क्या है, अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द एस्केलेटर, एस्केलेटर आप सबने देखा हुआ है ना, ऐसी सीढ़ियां होती है जो अपने आप चलती है, मॉल्स में जब आप जाते हो तो एस्केलेटर आपने देखा होगा, एस्केलेटर सबको पता है ना क्या होता है, यस। कभी मॉल वगैरह गए हो तो आपने विजिट किया होगा, एस्केलेटर ऐसी स्टेयर्स होती हैं जो अपने आप चलती हैं, है ना, मूविंग स्टेयर्स, यू कैन से इट मूविंग स्टेयर्स, ठीक है। तो अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द एस्केलेटर, जब वो पर्सन एस्केलेटर पे खड़ा होता है तो पर्सन नहीं मूव कर रहा, खाली एस्केलेटर मूव कर रही है ना,
जब खाली एस्केलेटर मूव कर रही है, सपोज करो एस्केलेटर की स्पीड मैं ले लेता हूँ, एस्केलेटर की स्पीड ले लेता हूँ वी, ठीक है। अब पर्सन इस पे खड़ा हो गया और ये टी टाइम के बाद यहाँ पे पहुंच गया, कितने टाइम के बाद, टी वन टाइम के बाद ये पहुंच गया यहाँ, ठीक है। He takes T2 time to reach the top of the tower when the escalator is standing. अभी तो escalator आपकी move कर रही है। अब second case में क्या है? आपकी escalator आ गई rest पे। Escalator आपकी rest पे है और person move करेगा। Escalator move नहीं करेगी। अभी escalator नहीं move करेगी। अब कौन move करेगा? Person। तो suppose करो person की velocity मैं ले लेता हूँ u। तो अगर पर्सन इस स्टेयर्स को चढ़ के जाता है ऊपर, इसको टॉप पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तब इसको टाइम लगता है T2। ऑब्वियसली टाइम का फर्क तो पड़ेगा ही ना। आप एस्केलेटर से ऊपर जाओगे तो आप सपोज करो T1 टाइम में पहुंचे, और जब आप खुद चल के जाओगे तो सपोज करो आपको टाइम कितना लगा, T2 टाइम लगा, ठीक है। अभी एक तीसरा केस दिया है इसमें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ही वॉक्स अप ऑन अ मूविंग एस्केलेटर। अब क्या मैंने किया, सपोज करो ये आपका एस्केलेटर है, अब पर्सन भी मूव कर रहा है और आपका एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, दोनों चीजें मूव कर रही है ना। पर्सन की वेलोसिटी हमें पता है यू, और आपका एस्केलेटर मूव कर रहा है वी, ठीक है। पर्सन भी मूव कर रहा है और आपका एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, ठीक है। समझ आया? अब ये जो आपका वी है, ये वी जो हमने लिया है, ये वी आपका एस्केलेटर का वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ योर एस्केलेटर, आई कैन से दैट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने लिया। और ये जो हमने यू लिया है मैन का, ये हमने मैन का वेलोसिटी लिया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। This is velocity of man with respect to ground. हमने ground के respect में दोनों की velocity ली, ठीक है। तो अब हमें find करना है, जब आदमी भी चलेगा और जब escalator भी चलेगा, तो इसको suppose करो T3 time लगा पहुंचने में, तो ये T3 time हमें find करना है। We have to find this time T3. अच्छा, सबको question समझ आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपकी लाइफ से रिलेटेड। मजे आते हैं ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो फिजिक्स में, तो आपको पूरा रियल फील आता है कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। बोलो, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है, सही बताओ। इस क्वेश्चन को देख के कुछ अच्छी अच्छी फीलिंग आती है आपको? हाँ, सही में क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है सॉल्व करने। अब इसका सॉल्यूशन सुनोगे तो और मजा आएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें और मजा आएगा। एग्जाम में देखो, इस तरह के क्वेश्चन पूछते नहीं है वैसे, आपके बोर्ड एग्जाम्स में 11th में कभी भी इतना अच्छा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है ना, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस करते ताकि हमें पता तो चले कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे, है ना। चलो देखते हैं, अब T3 टाइम निकालना है। तो अब अगर मैं T1 टाइम की बात करूं, तो T1 टाइम आई कैन इजीली राइट T1 इज इक्वल टू, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सपोज करो डिस्टेंस मान लेता हूं, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने सपोज करो s डिस्टेंस कवर किया,
तो आई कैन राइट टी वन इज इक्वल टू एस अपॉन स्पीड कितना है वी। फर्स्ट केस की बात करूं तो फर्स्ट केस में आपका एस्केलेटर चल रहा है ना, तो एस्केलेटर का स्पीड मैंने लिख दिया वी। सेकेंड केस में क्या हो रहा है देखो, टी टू टाइम, सेकेंड केस में आपका कौन चल रहा है, मैन चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो आई कैन राइट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज स्पीड ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है टी थ्री टाइम। तो टी थ्री को मैं क्या लिखूंगा, देखो डिस्टेंस तो आपका सेम ही रहेगा ना, बॉटम से टॉप का डिस्टेंस तो आपका तीनों कंडीशन में सेम, उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा है ना, बॉटम से टॉप तक आपका डिस्टेंस तो कांस्टेंट, सो डिस्टेंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, अब यहां पे आपकी वेलोसिटी देखो कैसे निकालोगे, यहां पे आपको कंसेप्ट लगाना है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, यहां पे आपको कंसेप्ट लगाना है रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि देखो आपका मैन भी चल रहा है, आप खुद भी चल रहे हो और एस्केलेटर भी चल रहे है ना, दोनों चीजें मूव हो रही है, तो दोनों चीजें मूव हो रही है। सो आई कैन से दैट यू कैन सिंपली राइट रिलेटिव वेलोसिटी विल बी दैट इज यू, क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ आ रही है? देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब मैं दोनों की ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रिस्पेक्ट में मिलेगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना। ठीक है, मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर आपको मिल गया। ठीक है, समझ आया सबको? ये स्टेप सबको समझ आया है, इसमें डाउट है? रिलेटिव का कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो यहां पे आप वेलोसिटी क्या लिखोगे, u प्लस v। अरे सिंपल सा दिमाग लगाओ आप, तो छोड़ो मैं आपको एनालाइज करना बताता हूं। जब आप खुद भी चल रहे हो और आपका एस्केलेटर भी चल रहा है तो आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी ना दोनों, आप ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगोगे ना। समझ आ रही है? जब आप खुद भी चलोगे और आपका एस्केलेटर भी चलेगा तो नेट स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी ना, क्योंकि आप ज्यादा तेजी से आगे जाओगे, आप ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जाओगे। खुद इमेजिन करो, सिचुएशन को इमेजिन करो, आप किसी मॉल में गए और आपने कोई एस्केलेटर पे चलना शुरू कर दिया तो आप जल्दी से ऊपर पहुंच जाओगे ना, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो वही मैंने किया, यहाँ पे आपकी स्पीड इंक्रीज कर दी। तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। तो मैं देखो टी थ्री को क्या लिख सकता हूँ, टी थ्री इज इक्वल टू, अब मुझे कैलकुलेशन करना है, टी थ्री को क्या लिख सकता हूँ, एस को देखो ऊपर से मैं क्या लिख सकता हूँ, टी वन इंटू वी। सो आई विल राइट टी वन इंटू वी अपॉन यू प्लस वी। ठीक है, टी वन इंटू वी अपॉन यू प्लस वी लिख सकता हूं। यस,
ना, अब आपको कैलकुलेशन करना है, इसको रीअरेंज करना है थोड़ा बहुत। तो देखो ये क्या हो जाएगा, u प्लस वी इंटू टी थ्री विच इज इक्वल टू टी वन इंटू वी। सो यहां से देखो u इंटू टी थ्री विच इज इक्वल टू, टी टू के टर्म में ले आओ, टी थ्री के टर्म में मत लाओ, है ना, u इंटू टी थ्री माइनस टी वन। चलो देखते हैं ये कितना हो जाएगा u के साथ, अच्छा v के साथ टी थ्री माइनस टी वन। देखो v के साथ टी थ्री माइनस टी वन विच इज इक्वल टू माइनस यू इंटू टी थ्री। ठीक है, अब यहां से देखो v बाय यू का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, v अपॉन यू अच्छा टी थ्री वाला टर्म फिर से बच रहा है ना, मुझे टी टू वाले टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। चलो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे मत करो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई अलग तरीके से करते हैं। अब इसका कैलकुलेशन पार्ट है थोड़ा, चलो ये हमें इतना तो समझ आया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो टी थ्री की जगह पे टी थ्री इज इक्वल टू एस की जगह पे लिख सकता हूँ यू टी टू, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, u इंटू टी टू रख के देखो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो टी थ्री इंटू यू प्लस टी थ्री इंटू वी विच इज इक्वल टू टी टू इंटू यू, टी टू इंटू यू। ठीक है, अब यहां पे देखो u u कॉमन ले लो, u के साथ t3 माइनस t2 विच इज इक्वल टू माइनस t3 इंटू v। अच्छा v बाई u का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, v by u का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, ये दो इक्वेशंस को जब आप डिवाइड करोगे तो यहां से आपको v by u का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा u by v, v by u s upon v s upon u upon s upon v, है ना। तो v by u का वैल्यू आएगा t2 by t1, तो यहां से देखो एस एस कैंसिल हो जाएगा, सो v अपॉन u का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से, हाँ v अपॉन u का वैल्यू आ जाएगा t2 by t1। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, v अपॉन u का वैल्यू यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सो t3 माइनस t2 इज इक्वल टू माइनस टी थ्री इंटू वी अपॉन यू का वैल्यू कितना है, देखो वी अपॉन यू का वैल्यू यहां से हमने निकाला, दैट इज टी टू बाई टी वन, टी टू बाई टी वन। तो अब देखो सारे टर्म्स आपके टी वन टी टू और टी थ्री में आ गए, सारे टर्म हमारे जो आ गए टी वन टी टू और टी थ्री के फॉर्म में आ गए। अब यहां से हमें T3 की वैल्यू निकालनी है T1 और T2 के टर्म में। अब यहां से आप T3 निकाल के देखो एक बार, T3 का वैल्यू कितना आ रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व करो एक बार खुद से, ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन, एक बार सब लोग इसको सॉल्व करेंगे, सब लोग इसको ट्राई करो जरा एक बार, ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई इट वंस।
इसको जरा सॉल्व करके देखो तो क्या आंसर आ रहा है T3 का। यस, ट्राई किया किसी ने? क्या आंसर आ रहा है बताओ? अरे सबको ट्राई करना है, थोड़ा कैलकुलेशन तो करो। अब सारा मैं ही निकाल के दू क्या? निकालो T3 का वैल्यू। अब सब लोग निकाल के बताओ मुझे करेक्ट आंसर कितना आ रहा। कुछ कैलकुलेशन आप भी करो। हाँ 2 मिनट और वेट करता हूँ, सॉल्व करो इसको। चलो इतना पार्ट आप सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन थोड़ा कह सकता हूँ लेंदी है, लेकिन कंसेप्चुअल वाइज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल। कैलकुलेशन इज थोड़ा लेंदी पार्ट है, बाकी कंसेप्ट वाइज अगर समझ आ जाए तो इजी। ठीक है, हो गया क्या? किसी का आंसर निकला? 2 मिनट और ले लो। आंसर देखो निकाल के कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कोई ऑप्शन मैच भी कर रहा है?
अरे भाई, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी का नहीं हो रहा क्या? सबने ट्राई किया? खुशी, मैत्री, पूजा, विश्वा, राम, विश्वा, किसी का ऑप्शन मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। चलो देखते हैं अब इसको। हमने वैल्यू तो सही से पुट किया ना, एक बार ऊपर से चेक कर लो। T1 का वैल्यू हमने क्या निकाला? S/V है ना। T2 का वैल्यू क्या निकाला? S/U, ठीक है। T3 का वैल्यू हमने निकाला S/U+V। ठीक है। अच्छा, मैच नहीं हो रहा, किसी का भी नहीं मैच हो रहा। चलो ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। अब मैंने इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक बताई है। चलो आपसे ये वाला नहीं हो रहा।